किसका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो वाजिब है, समर्थन तो जो है अगर मोदी जी को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देश को सुधरना लगवा देंगे क्या? हाँ, देश को सुधरना लगवा देंगे, इमरान खान को प्रधानमंत्री बैठवा देंगे क्या? हाँ, आप राहुल जी का समर्थन क्यों नहीं करते? वो एक युवा नेता है। राहुल जी का समर्थन से बात नहीं है, अच्छे नेता वो भी है, लेकिन उसका मानसिकता गलत है। उन लोगों का मानसिकता गलत है। नेता सभी अच्छा है, नेता खराब नहीं है, नेता सब एक ही जैसा होता है, लेकिन उन लोगों का मानसिकता गड़बड़ है। सुपौल लोकसभा के प्रतापगंज क्षेत्र में आया हूँ, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से इस लोकसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। युवा हैं, आप इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी का। आ, उसके पीछे सर कोई कारण? बीजेपी नरेंद्र मोदी अच्छा नेता, उनको हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ना कि राहुल गांधी को वोट देकर अपना बेइज्जती कराना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जो आपके संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं महागठबंधन के अनिता रंजन जी, और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अनिता रंजन आज तक हम लोग को देखने नहीं आई है, जो हम उसको वोट करेंगे। सरकार देखना चाहेंगे? हम तो मोदी ही सरकार जैसा सरकार चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा ही सरकार हम लोग की भाषा। आपके संसदीय क्षेत्र में रंजिता रंजन जी आज 5 साल से सांसद हैं और उन्होंने आपके क्षेत्र में काम भी किया है, तो आप उनके बारे में क्या समर्थन करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे गांव को बात नहीं देखे हैं कि रंजिता रंजन जी आए हुए हैं, कभी नज़र भी नहीं आया। आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, तो आप पीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? कहाँ के राहुल गांधी देखना चाहेंगे? बीजेपी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ठीक नहीं। राहुल गांधी जी का समर्थन सर क्यों नहीं करेंगे? उनके विचार से हमारा मत नहीं मिल रहा है। देखना चाहेंगे इस बार तो बीजेपी का ही देखना चाहेंगे। सर, राहुल गांधी जी का समर्थन आप क्यों नहीं करेंगे? इस बार उनका जो है अभी 70 साल तो वो ले चुके हैं, हम मोदी को भी 70 साल का मौका देना चाहते हैं। 70 साल का मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल। बात बीजेपी के। सर, राहुल गांधी जी एक युवा नेता है, उनके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? वह तो दगाबाज है देश के लिए, वह है चोर चोर चोर, पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, वह चोर है, वो गद्दार। अच्छी सरकार देखना चाहेंगे? बहुत अच्छी सरकार। इस बार किस दल का आप समर्थन कर रहे हैं? NDA, नरेंद्र मोदी, देश के लिए। उससे बेहतर प्रधानमंत्री इस देश के लिए हो ही नहीं सकता है, कोई शक की बात नहीं है। राहुल जी के बारे में आपका क्या ख्याल? बिल्कुल खराब है। राहुल जी तो आज तक कुछ किए नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार को ढोते हैं, अपने जीजा को ढोते हैं, अपनी बहन के लिए मरते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का स्थिति देश के लिए बहुत बेकार है, वो अपने परिवार के लिए मरते हैं, लेकिन देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी आज इस देश के लिए जितना काम किया है, जितना विकास किया है, आज चारों तरफ विकास का जो है नारा जो है गूंज रहा है इस देश में। हर गरीब सबको सबका साथ सबका विकास उसके साथ है। नरेंद्र मोदी को बहुत पहले आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 2024 तक नरेंद्र मोदी को इस देश में प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। बाबा, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समर्थन तो अभी जो वर्तमान सरकार है वह बहुत अच्छा सरकार है, इसलिए कमी उसमें नहीं है। कमी है किसमें, तो हमारे कार्यकर्ता जो है, अफसर लोग जो है, ये इस संसार को या भारत देश को जो है अपने और पराया बनाता है अपने स्वार्थ के कारण। सरकार में कोई कमी नहीं है। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनना देखना चाहेंगे? कांग्रेस का। आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से रंजिता रंजन जी कांग्रेस से खड़े हैं, क्या आप उनका फुल समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। द्वार है आज छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जनता के बीच कांग्रेस ने वोट लिया और उसका परिणाम आज देश के सामने है। नक्सलाइट ने एक बीजेपी के विधायक और 5 हमारे जवान को शहीद कर दिए,
अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीते 3 महीना ही हुए हैं कांग्रेस की सरकार को, और उन्होंने 281 करोड़ का घोटाला करके गरीब बच्चे का निवाला छीन करके आज देश के सामने उजागर हो गया है। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी देश की। आज घर घर शौचालय बन गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हर घर बिजली पहुंच गए हैं और 24 घंटा में 22 घंटा बिजली गांव से लेकर शहर तक उपलब्ध है, और ये सारे चीज़ की सुविधा है। भ्रष्टाचार पे दिन प्रतिदिन अंकुश लगाया जा रहा है। इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस देश का नेतृत्व कर सके, इसलिए हम लोग गर्व से कहते हैं कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी सरकार। देखिए, अभी तक जहां तक हम लोग देखे हैं 5 साल के इनके शासन में, हमारा देश का जहां तक है उन्नति ही हुआ है, हर जगह इनका नाम ही हुआ है, और हम लोग